अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल फिट फाट होंगे, फाइन शाइन होंगे। और हमारे घर थी दावत और हाँ, यहाँ पर सबसे पहले मम्मा धो रही हैं फिश, फिश धो रही हूँ। आटा लगा के ना थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे हम लोग धोते हैं। और हाँ यहाँ पे हो रही है कबाबों की तैयारी। कीमा में हम लोगों ने डाला है सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्ची, ज़ीरा, इसमें गया है सूखी मिर्ची, हल्दी और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, पेस्ट जो हाँ कि अच्छा वो भी गई है, चिली फ्लेक्स भी गए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मामा को बनाना भूल गया था, और फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं कहा मामा ये क्या हाँ ये था। इसने खुद ही बनाया और ये इसे ना हम कोफ्ते बनाने लगी हैं। और ये बड़े वाले मामदस्ते में मैंने ना इसको कूटा, कोटा और कोफ्तों का मैं मामा से पूछ रही थी, मामा कोफ्तों का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा हाँ बड़ा दरमियाना। हाँ तो ये बेटा ये सूख जाते हैं ना फ्रेश, उसमें घी में करें ना ऐसे, तो ये छोटे से हो जाते हैं। तो बस तभी ये थोड़े बड़े बनाए ना तो छोटे हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने ना इसमें वो भी नहीं डाला, कोई भी ऑयल वगैरह या फिर बेसन वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो लेकिन फिर भी ये ठीक है, लेकिन पहले हम तो डालते थे वो सख्त हो बेसन, जाते थे बेसन ना। डालते थे। तो ये ना खीर बनाने लगे हैं और 1 किलो खीर में ये एक डाला किलो है। दूध में हाँ 1 किलो दूध में ये खीर का पैकेट डाला है नेशनल का। हाँ, ये लजीजा खीर थी, हाँ और बस इसमें डाला, और इसको बस 15 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारे वो तैयार हो जाएगी। और हाँ यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कोफ्तों को ना अलग से फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के बगैर तो नहीं बनते, ये पहले फ्राई करने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा मसाला बना कर ना, तो फिर उसके अंदर डाल देते हैं। वो ठीक नहीं होते, ये सही होते हैं। तो बस ये सबसे पहले हम लोग कोफ्तों को करते हैं फ्राई। ये टूटते भी नहीं ना इस हाँ तरह, फिर वैसे टूट भी जाते हैं पानी में। और ये मछली को ना लेमन लगाने के लगाना है, तो ये नींबू निचोड़ने लगी है माँ। मुझे पता ही नहीं था कि अब ये गर्मियां नहीं है, सर्दियां है। और मतलब अभी लीमू में ना रस अच्छा खासा था, मैं उनको नरम कर रही थी, एक मेरे हाथ में पिचक मैंने कहा गया ये इसमें बेटा है, ये ऐसे करना है, ये सख्त इसमें। नहीं है, इसमें बहुत नरम है और ये जल्दी बन जाएगा। और मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ पर देखे क्या क्या हो रहा है। ये खीर हमारी तैयार हो गई थी, साथ साथ हाँ कोफ्ते भी मैं फ्राई कर रही थी, और मैंने सोचा था कि साथ ही साथ ना मैं फिश को भी जो सा है ना लगा देती हूँ मसाला। हाँ यहाँ पर मुझे लगा था खीर नीचे ही जाएगी, हाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, खीर वाला बाउल जो सा है ना ऊपर ही रहा है। और ये मछली को ये लगाने लगी है लेमन और मछली मसाला। हाँ, लेमन और मछली मसाला लगा कर इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे, हाँ और फिर जनाब इसके ऊपर एक और कोडिंग होगी। हाँ वो तो तो बेसन की होगी ना कोडिंग। बहुत ज़्यादा काम चल रहे थे साथ साथ ना। कोफ्ते हो गए थे मेरे फ्राई, मैं फिश के ऊपर थोड़ा सा लेमन डाल रही थी। लेमन लगाने के बाद इसके ऊपर मैं मछली मसाला लगाऊंगी, हाँ और इसको ना फोक की हेल्प से थोड़ा सा अंदर ना इसके वो, ताकि अंदर तक चला जाए मसाला। मछली मसाला तो ये मैंने तकरीबन कितनी देर के लिए, वैसे कह 1 घंटा के लिए रखते हैं, बट मेरा तकरीबन पड़ा रहा दो 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 घंटे घंटे पड़ा रहा काम बेटा क्योंकि मैं बहुत। काम बहुत ज़्यादा थे ना, हाँ तो मुझे अब टेंशन होना शुरू हो गई थी। मैं कि ये कुछ और ही ना हो जाए और ये बेचारा बनाने लगी है वो केक। केक। मैंने कहा थोड़ा केक भी बना लो। 3 अंडे लिए हैं, इसमें जाएगा वनीला एसेंस जाएगा, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक और आधा कप चीनी जाएगी, और अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे बीट। बीट हो जो हम दोनों माँ बेटियों की कल हालत हुई है हाँ ना, बहुत मतलब थक गई थी ना। थक गए हम लोग ये सारा कुछ बनाने में। और उफ, अब इसमें थोड़ा सा जाएगा ऑयल, तकरीबन 3-4 चम्मच, तीन चार चार चम्मच चम्मच नहीं, 5 को कह सकते हैं, 5-6 चम्मच। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और फिर मैंने डाला है 1 कप मैदा, और इसमें जाएगा तकरीबन आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसको हल्के हाथों से, मैंने कहा ये 2 चम्मच बताए नहीं, दो ओ चम्मच हाँ, 1 कप और दो 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 चम्मच चम्मच मैदा, मैदा बेटा डाला आपने और फिर आधा चम्मच जो सा ना वो गया है बेकिंग बेकिंग पाउडर का, पाउडर का। और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, जो कि मामा का फेवरेट वनीला और हम दोनों बहन भाइयों का फेवरेट चॉकलेट चॉकलेट।
अच्छा यहाँ पर ना मैंने सोचा था कि मैं ना मिक्स करूँगी, मतलब ये दो टाइप का बनाकर ना तो ऊपर डालूँगी चॉकलेट चिप, हाँ बट मामा मैं भूल ही गई, और मैंने जब देखा और केक पक चुका था, मैं ऊपर डाल रही थी तो बस चॉकलेट चिप नहीं इसके ऊपर डाल पाई मैं। लेकिन ये अच्छी बनी है। वो नहीं डाले तुमने अंदर? नहीं थे डाले, खाए आपको नजर नहीं आया, तो पापा भी यही कह रहे थे चॉकलेट चिप कहाँ गए, मैं को पापा पर डाल रही थी पर वो बस कुछ ना भूल पूछे। गए। तो यहाँ पे अब मैंने ना फिश के ऊपर दूसरी कोडिंग तैयार करने लगी हूँ। मैदा में नमक मिर्ची और हल्दी जाएगी, चिली हाँ फ्लेक जाएंगे, बस जी, काली मिर्ची भी। हाँ जी, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और फिश के ऊपर ना वो जैसे हल्का हाँ हल्का सा हम लोग अपने चेहरे पे पाउडर लगाते हैं ना हाँ वैसे जी, लगाएंगे, हाँ और जी, इसके साइड पे ये थोड़ा सा झाड़ के एक्स्ट्रा जो सा लगा होगा वो झाड़ कर साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारी की सारी फिशेस को तैयार कर लूँगी, और इसको दो दफ़ा फ्राई करते हैं, हमेशा फिश को दो दफ़ा फ्राई किया जाता है। हाँ जी, एक दफ़ा मैं फ्राई करके ना तो तो रख रख, और दूंगी, और फिर जब एक मेहमान दफ़ा आएंगे तो तब तब फिर करूंगी। तब बनाएंगे। और यहाँ पर मैं कोफ्ते का मसाला तैयार करने लगी थी। और इसमें प्याज डाले हैं, और प्याज डाल के तो फिर थूम अदरक, और हरी मिर्ची जाएगी, और इसे बस फिर ब्लेंड कर लेंगे। फ्राई करना है पहले और फिर उसके बाद हम लोग ब्लेंडर में डाल करना हाँ तो कर लेंगे। जैसे कि अभी अदरक क्या है, फिर वो जाएगी इसमें ये थूम, लहसुन जाएगा, और फिर उसके बाद में हरी मिर्ची हरी डालूंगी। मिर्ची डाले, और दूसरी तरफ हमारा वो भी तैयार हो गया था, केक भी। केक भी बन गया था। हाँ तो उस टाइम पे ना मैं वो डालने लगी इसके ऊपर चॉकलेट चिप, और चॉकलेट चिप कहे मैंने तो अंदर जाना ही नहीं। मैं कि मामा वो पक फुल चुका, फुल पक फुल चुका। पक चुका था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड। अच्छे तरीके से ब्लेंड होने के बाद वो बन रख दिया था, फिर मैंने कहा चलो जब अब कोफ्ते बनाने होंगे, हरनिया की बारी आएगी ना, तब वो बनाऊंगी। हाँ, ये पेस्ट बना के रख लिया था। ताकि एंड पे ना वो परेशानी ना हो मुझे के बस अब जल्दी जल्दी काम बस हो जाए, कोफ्ते भी फ्राई थे, ये भी बन गया था, बस काम खत्म। काम खत्म। अब बस ये फिश भी हो गई, और ये जो ये जनाब ये फिर भी फ्राई कर ली, अब मैं ये दिखा रही थी कि ये ऐसे हो जाता है, मतलब इसके अंदर पानी लगाने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ती, रहती। क्योंकि लेमन का पानी होता है, फिश का भी अपना पानी होता है, उसे छोड़ा हुआ होता है तो हाँ उसे ज़रूरत नहीं होती। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है फिश, क्योंकि ये मतलब कोटिंग भी नहीं उतरती, हाँ मसाले भी अंदर तक चले जाते हैं, और बहुत ही मज़े की होती है ये। अलग बात है कि मैंने खाई नहीं तुमने एक भी थोड़ी, इसमें नहीं खाया? हाँ मैंने नहीं खाई, मैंने कहा मैंने तो टेस्ट भी नहीं थी की, मैंने कहा पता नहीं अब नमक मिर्ची कैसी है। हाँ और यहाँ पे मामा बना रही थी आलू गोश्त, आलू गोश्त बना थोड़ी लिया सी हटके रेसिपी है मामा की, ये मामा ही बताएंगी मामा ने क्या क्या किया। ये बेटा मैंने इसलिए ये किया है कि ये जो गोश्त होता है ना, तो ये इसका ना शोरबा अगर बनाने से ये सारा सूख जाता है। हम पहले इसी तरह करते थे, पानी डाल के थोम अदरक डाला और पानी सूख गया, अब इसमें घी डाला और भून के पानी डाल के तो बना लिया। लेकिन ये मैंने नए बनाया है, ये प्याज और अदरक लहसुन अलहदा से किया है, ये मसाला मामा ने अलहदा से इसका अलहदा फ्राई अलहदा किया। से फ्राई किया है, और गोश्त को अलहदा से उबाइल किया है, और इसमें नमक मिर्च हल्दी और आलू डाल के ये भून ली है, और उसकी यखनी निकाल ली। तो ये सारा मसाला मैंने बना के उसमें डाल दिया, और बस ये बन गया। मेरी बेटी को, अम्मी आपने गोश्त नहीं भूना, अम्मी आपने मैंने खाया भी नहीं, मैंने कहा पता नहीं। कैसा होगा। और यहाँ पे मैं कोफ्ते बनाने लगी थी, फिर पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, और ये जो हमारा मसाला था वो डाला, और बस ये इसको थोड़ा सा पानी डाल कर ना सारा जो ब्लेंडर था वो मैंने साफ किया। ये देखे मामा की यखनी में चला गया है आलू का मसाला। ये कह रही अम्मी ये क्या, आपने गोश्त को भूना नहीं, मैं कुछ मैं नहीं कह रही होता। मामा मुझे फीलिंग आ रही है गोश्त बॉयल है बस। और यहाँ पे मैं अब तो ये मसाले यखनी डाल भी रही तो थी। पी लेती हो ना नमक वाली, तो बस ठीक है, यही इसी तरह खाओ।
अब इस मसाले में सारे मतलब ये जो मैंने बनाया हुआ था पेस्ट उसके अंदर जाएगी नमक मिर्ची हल्दी ये काली मिर्ची के चिली फ्लेक्स और सूखा धनिया और जीरा जाएगा और ये हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और ये ना इसमें थोड़े थोड़े डाले हैं ताकि वो कीमे में भी डले हुए थे ना कोफ्तों में, तो हल्की हल्की इसमें थोड़ी सी मसाले में डाली और थोड़ी उसमें, और ये बैटर पेड़ा मज़ेदार कोफ्ते बन गए। और मैंने इसमें आप कोफ्ते डाले, इसको थोड़ा सा भून लेंगे, भूनना क्या बस वो मिक्सी मिक्सी के थोड़ा सा बस थोड़ा सा डाल के और पानी डाल दिया बस खत्म। और हम इसके लिए अंडे भी बॉईल किए, हाँ अंडे भी बॉईल किए थे, अंडे और कोफ्ते दोनों चीज़ें बनाई थी। और ये सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं थी, चरी और भी बहुत कुछ पीछे चल रहा था। और यहाँ पर मेरी खाला आ गई हैं और खाला ने बनाए थे चावल। इसमें सबसे पहले खाला ने डाले दो बड़े वाले चम्मच ऑयल और फिर प्याज डाले और फिर ये डाले हैं आलू, ये गाजर और फिर मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट याद आया, मैं खाला अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला। खाला कहती है लाओ अभी डाल दें और फिर टमाटर वो मटर डालेंगे। तो फिर इसके बाद मटर डाले, मिक्स वेजिटेबल वाले राइस थे क्योंकि अब सर्दियां हैं ना तो फिर मज़ा आता है मिक्स वेजिटेबल हाँ, राइस खाने का। मटरों वाला पुलाव तो बहुत ही फेमस होता है, बड़ा मज़ा आता है मटर पुलाव खाने का भी। तो ये गाजर और आलू भी डाले तो और अच्छा हो जाता है। अब थोड़ा सा पानी डाला ये सारे मसाले जिसमें था नमक मिर्ची हल्दी कोटी लाल मिर्ची और ज़ीरा और बिरयानी मसाला था, साथ में था तेज़पत्ता और था वो ये दही भी डाली है बस। यस दही के बगैर नहीं रहती। मेरी मामा को नहीं पता था, हम दोनों खाला खाला मैं थी किचन में उस टाइम पे तो मामा को नहीं पता था। और यहाँ पर अब हम लोग डाल रहे हैं चावल, चावल। और ये हमारी सारी की सारी तकरीबन रेसिपीज तैयार थी। इसमें मैंने और भी बहुत कुछ बनाया हुआ था जैसे कि रायता था, ये सलाद था और केक माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, इतना मज़ेदार था ना, मेरा बस दिल कर रहा था कि मैं इसको खा जाऊँ किसी तरीके। और ये हमारी खीर भी रेडी थी, मैं कह सबको दिखाऊँ कि क्या क्या कुछ रेडी हुआ हुआ है। और यहाँ पर ना मैं केक के पीसेस कट कर दे रहा था, तो ठीक है ना पीस काट कर, जैसे डिज़ाइन था ना मैंने वैसे ही उसको कट किया, मैंने डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होने दिया। मुझे खाला ने कहा था महा इसको ना ऐसे ऐसे काटना, मैं कहा जी खाला यू आर द ग्रेट, ऐसे ही काटेंगे हम लोग इसको। हमें दिखाया मामू कितना मज़ेदार है, ये यही तो मैंने खाया है। मैंने कहा सारी दावत में मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी का तो इंतज़ार था। और हमारे ये चावल भी रेडी थे, सारा कुछ रेडी था, अब बस मेहमानों का इंतज़ार था। ये मेहमान आ गए थे तो मैंने कहा चलो अब फिश को ना दोबारा से फ्राई कर लेते हैं। ये मेहमान हमारे आए थे तकरीबन साढ़े सात तकरीबन, वो लोग आ गए रात की दावत थी। और हम दोनों माँ बेटियाँ सुबह से लगी हुई थी, कुछ भी रेडी नहीं था ना तो इस वजह से ज्यादा परेशानी हुई, सारा कुछ एक दिन में ही बनाया, नहीं तो मेहमान आने हो ना तो हम एक दिन पहले ही सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये सारा कुछ उसी दिन हमने किया है। और ये खाला को फिर मैंने कहा था खाला चले आप ये वाले काम करें ना, डालें आप सालन वगैरह, सर्विंग करें आप, और मैं जरा फिश को फ्राई करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और फिर गैस का भी नहीं पता होता। हाँ रात को हमारी ना तकरीबन 9:30 बजे तक गैस चली जाती है, बड़ा तंग करती है खासतौर पर बस सर्दियों में ही ऐसा होता है, गर्मियों में नहीं होता। तो बस यही था आज का हमारा ब्लॉग, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।